अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। क्या हुआ, कुछ बना पैसों का? नहीं हुआ बंदोबस्त, ना नौकरी है और जिन जिन लोगों को मैंने उधार दिया किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा है ही नहीं किसी के पास। जैसी ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें पता है इसने कब से कुछ नहीं खाया? इसको मैं दूध की जगह भी पानी दे रही हूँ, वो भी नलके का। तुम्हें पता है ना नलके के पानी की वजह से इसको डायरिया हो जाता है, डायरिया की वजह से इसके डायपर्स इतने चेंज होते हैं, इतने महंगे हैं डायपर्स, दूध भी नहीं आ रहा है, इसका क्या करें हम लोग? तो रिता ऐसे नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा, कोशिश तो कर रहा हूँ ना, नहीं है पैसा किसी के पास, ना नौकरी है, क्या करूँ मैं? अगर तुम्हारी ये हेयरस्टाइल की जगह घर का सौदा आ जाता ना तो इसके लिए कुछ बंदोबस्त हो जाता खाने का। पिछले महीने अम्मी से उधार लिया था, वो भी खत्म हो चुका है अब तो। अच्छा छोड़ो फिलहाल, मुझे तो खाने दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। अरे खाना कहाँ से आएगा जैसे, कब से सौदा नहीं आया तुम्हें पता तो है, इसका दूध नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है खाने को, हम तो गुजारा कर लेंगे, इसको कैसे करूँ मैं? मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ इसको लेके, बेचारा कब से भूखा है, देखो कब से रो रहा है ये। अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कर लूंगा ना पैसे अरेंज। तुम किसी तरह बंदोबस्त करो पैसों का, मैं जा रही हूँ। हेलो, क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं नहीं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, क्या आप मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलना पसंद करेंगे? देख यार मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, तू मजीद मेरे दिमाग नहीं खा, और भी लोग यहाँ बैठे हैं, जा उनको अपना मंजन बेच। मैं आपकी परेशानी की वजह भी जानता हूँ। क्यों, तू नजूमी है क्या? नहीं लेकिन वही समझ लो। यार जा, माफ कर, तू जाएगा या मैं गार्ड को बुलाऊं? जा। हाँ बात सुन, नाम गजनफर जाफरी, एज 32, बीवी बच्चे फिलहाल पैसों की वजह से छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन पैसे मिलते ही वापस आ जाएंगे। हजारों लोगों का कर्जा सर पे और जेब में सिर्फ 100 रुपए, जो कि इस चाय पानी के बिल में खत्म हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारी गेम में मुझे क्या करना होगा? चील उड़ी कौवा उड़ा, मेरा मतलब है ये गेम का नाम है। तुम बर्गर बनते हो लेकिन हो नहीं, तुमने बचपन में ये गेम ज़रूर खेला होगा, मैं जानता हूँ। इस गेम में अगर हार तुम्हारी हुई तो तुम्हारी जेब में मौजूद सारे पैसे मेरे, और अगर हार मेरी हुई तो इस ब्रीफ केस में मौजूद सारा पैसा तुम्हारा। मगर याद नहीं है मेरे जेब में है ही सिर्फ 100 रुपये। 100? तो रूल्स को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हर हार के बदले तुम्हें मुझसे एक चंबा खाना होगा। तो शुरू करें? चलो। चील उड़ी, चील उड़ी, तोता उड़ा, तोता उड़ा, खोता उड़ा, खोता उड़ा। एक और बार। ओके मगर मैं करूंगा, चिलोड़ी कबा उड़ा, रॉकेट उड़ा, तेरे बाल उड़े, तेरे बाल कहाँ उड़ते? अब मेरी बारी, आजा आजा चल। एक सेकेंड, तुम्हारा मेरा, अगर इस तरह के और भी गेम्स खेल रहे हो कॉल मी। कहाँ गया मैं, ये क्या पहना हूँ? कौन लोग हैं ये? हैं
ये रिदा क्या कर रही है यहाँ पे? रिदा, 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 उठो। हम लोग कहाँ पे हैं? मैं भी यही देख रहा हूँ। ये कौन लोग हैं? ये सब छोड़ो, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? जो तुम करने आए हो यहाँ पे। और ईसा कहाँ है? अरे ईसा को अम्मी के घर छोड़ा है, पैसे नहीं कमाने थे क्या हम लोगों को? अरे रिदा मैं अकेले कमा लेता, अब ईसा अकेला बैठा हुआ है वहाँ पे। अरे जैसी ये सोचो, अगर हम दोनों गेम जीत जाते हैं तो डबल पैसा मिलेगा, कैसा? अरे हाँ, डबल पैसा, डबल पैसा। चल चलो आ जाओ। पता नहीं यार, हाँ बेचारे पैसों के मकरूज होंगे ये भी। हाय गाइस। हाय। तुम लोग भी गेम खेलने आए हो? हाँ, तुम्हें भी वो कार्ड दिया था रात में? हाँ, रात में बंदा आया था, मैंने उसका गेम खेला और एंड में उसने कार्ड दे दिया मुझे। कोई आइडिया है क्या गेम्स खेलने वाले हैं? पता नहीं यार, ये जगह भी कितनी अजीब है, ऊपर से इतनी गर्मी में हुडी पहना दी। हाँ यार, और ये सबको नंबर्स भी दिए थे, 3, 4, 5, 2। कौन शख्स है? पूरा कवर्ड है, शक्ल भी नहीं दिख रही इसकी। वेलकम टू स्क्विड गेम इन पाकिस्तान। आपका पहला गेम स्टार्ट होने वाला है, तमाम प्लेयर्स मुझे फॉलो करें। का पहला गेम अब शुरू होने वाला है। इस गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। रूल समझाने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि बचपन में आप सब ने ही खेला होगा और शायद अब भी खेलते होंगे। यार ये क्या गेम है, मैंने तो कभी खेला भी नहीं है। अरे जब रेड लाइट होगी तो हमें रुकना है और जब ग्रीन लाइट होगी तो हमें भागना है, और वो टाइमर देख रहे हो तुम, उस टाइमर के खत्म होने से पहले हमें फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। ग्रीन लाइट रेड लाइट। इसको क्यों गोली मार दी? अबे ये पाकिस्तान है, यहाँ पे रेड लाइट पे कोई नहीं रुकता, भागो। ग्रीन लाइट। यार ये कैसा गेम था, बंदा मर गया है,
बंदा मर गया हमारे सामने, मैंने पहली दफा देखा है बंदा मरते हुए। ये कैसा गेम है यार, हम लोग सब मर जाएंगे, सब मरेंगे। अरे वो रूल में लिखा हुआ था ना कि अगर सब लोग अग्री करें तो गेम टर्मिनेट हो सकता है, तो हाँ फिर खत्म कर देना गेम। तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे ये गेम खेलनी है और मुझे जीतना है। क्यों भाई, हम लोग फाकों से वैसे ही मर जाएंगे। नंबर फोर तुम? मैं सिर्फ बीच में ये गेम छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, मुझे जीतना है वरना अब्बा मेरी शादी करा देंगे। यार मुझे तो अपना कारोबार करना है, वैन लेनी है ताकि शारा फैसल पे पिक एंड ड्रॉप कर सकूं। तुम तो मना कर दो, या तुम भी मरने के लिए तैयार हो? यार क्या हो गया, हम मर जाएंगे यार। आप सबका सेकंड गेम स्टार्ट होने वाला है, तमाम प्लेयर्स मुझे फॉलो करें। अबे इतनी जल्दी दूसरा गेम? वेलकम टू योर सेकंड गेम। आप सबका दूसरा गेम है टोपी। आप सबको एक टोपी सोचनी है और आप सबके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। जो प्लेयर 10 सेकंड के अंदर टोपी नहीं सोच पाया वो एलिमिनेट हो जाएगा। प्लेयर 001, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, जब मैंने पेट्रोल डलवाया तो शारा फैसल का रश आपको तो पता ही है, इस वजह से मैं लेट हो गया। प्लेयर 001 पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो मैं याद नहीं आ रहा मुझे। वो मेरे बेटे ने लास्ट मिनट पार्टी कर दी थी इसलिए देर हो गई। प्लेयर 002 पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ अरे, मेरी गाड़ी का ना टायर पंक्चर हो गया था, फिर नई ट्यूब डलवानी पड़ी इसलिए लेट हो गया। प्लेयर 005 पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पंक्चर नहीं, बाइक पे तो आती नहीं हूँ यार, दस से शिट। योर टाइम इज अप। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो सुबह सुबह मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, उनके पेट में बहुत दर्द था तो मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, तो इसलिए मैं लेट हो गया। प्लेयर 006 पास। शुक्र है, अरे मर गई, ओह माय गॉड, फुला तोबा। नंबर 3 और नंबर 4 भी मर गए। अच्छा हुआ वो लोग मर गए, वो सच्चे पाकिस्तानी नहीं थे। कौन सा पाकिस्तानी है जो रेड लाइट पर रुकता है, और कौन ऐसा पाकिस्तानी होगा जिसको टोपियां नहीं आती हैं? अच्छा हुआ मर गए वो। मुझे तो ये टेंशन है कि अगर हम दोनों भी मर गए तो ईसा का ख्याल कौन रखेगा। मैं तो बोल रहा था ना गेम टर्मिनेट करो, मगर नहीं, सबको खेलना था। तुम दोनों फिक्र नहीं करो, ईसा का ख्याल मैं रख लूंगा। तुझे बड़ा पता है कि तू जीत रहा है? मुझे पता है, मगर अगर मैं जीत गया तो उसके। आप सबका तीसरा गेम क्रिकेट है, आपकी ओपोनेंट टीम आपसे 10 मिनट में ग्राउंड में मिलेगी। क्रिकेट? मैंने तो कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली, मुझे तो सिर्फ बास्केटबॉल आता है। पर तू भी सच्चा पाकिस्तानी नहीं है भाई। मैंने तो सिर्फ देखी है, खेलनी तो मुझे भी नहीं आती। चलो देखते हैं क्या होता है। ये कैसा अजीब सा ग्राउंड है। अबे नेटफ्लिक्स ने थोड़ी स्पॉन्सर किया है जो नेशनल स्टेडियम करवाते, और वैसे भी कराची में ग्राउंड है कब। हाँ ये भी है, पता नहीं अगली टीम कौन सी होगी। हाँ हाँ टीम वर्क चाहिए बस। आ जाओ यार, टीम वर्क होगा ना तभी हम लोग ये मैच जीत सकते हैं। नंबर टू तुम एक काम करना, तुम कीपरिंग करना, क्योंकि मैंने देखा शॉर्ट हाइट वाले जो ना कीपरिंग अच्छी करते हैं। लेकिन मुझे कीपिंग नहीं आती भाई। कोई मसला नहीं, खड़े रहना सिर्फ। अच्छा नंबर 6,
तुम बाउंड्री में जाके खड़े हो जाओ, हाइट तुम्हारी लंबी है तो आराम से छक्के रोक सकोगे। सही है, सही। अच्छा नंबर नंबर 5 तुम ऑफ साइड में फील्डिंग करो। अब बच्चा मैं बॉलिंग ही करवा लेता हूँ। सही है, करवा लेंगे आप? हाँ करवा ही लूँगा। अरे ट्रायंगल यार बता दो अगली टीम कौन सी है, अरे कुछ तो बता दो। अरे बताओ ना यार, अरे हम हार जाएंगे। यार हम बहुत डरे हुए, कुछ तो बता दो, हम प्रिपेयर करके नहीं आए हैं। इस आखिरी गेम के विनर्स आप लोग हैं। हम जीत गए? अबे कैसे? क्योंकि आपकी ओपोनेंट टीम ने बैकआउट कर दिया है। मगर दूसरी टीम कौन सी थी? आपकी ओपोनेंट टीम थी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड? हम जीत गए, हम जीत गए। पैसा पैसा, हमारी प्राइज मनी। इतनी खुआरी $1 के लिए? $1 का क्या करेंगे हम? और मतलब दो बंदों को भी मार दिया सिर्फ $1 के लिए? जिस हिसाब से रुपी गिर रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, उस हिसाब से इस $1 की वर्थ कुछ साल बाद $1 करोड़ रुपए होगी। वैसे बात तो सही कह रहा है ये, अभी रुपीज 172 पे, शायद 6 महीने बाद जब लोग ये वीडियो देख रहे होंगे 200 पे पहुंचा होगा। वैसे फ्री में कपड़े मिल गए। अबे हाँ, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट गेम्स में।